नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। हिटलर एक ऐसा तानाशाह जिसके हाथों की गई क्रूरता का वर्णन कर पाना शायद ही संभव हो। यहूदियों के खिलाफ उसकी नफरत और अन्य कई गतिविधियां यही साबित करती हैं कि वह पूरी तरह से पागल और असंतुलित इंसान था। इसी पनपती नफरत का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध के बाद घटित होलोकॉस्ट, जिसमें लाखों लोगों की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी, जिन्हें वह दूषित और दुर्भाग्य का प्रतीक समझता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की अकल्पनीय घृणा इतिहासकारों के बीच हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। अधिकतर जर्मन लोगों की विचारधारा बेहद संकुचित थी। हिटलर स्वयं साम्यवादी युद्ध सिद्धांतों के खिलाफ था, जो बहुत कुछ मार्क्स और एंगल से प्रभावित थे। वह हर यहूदी को मार्क्सवादी युद्ध नीति का प्रचारक मानता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी अराजकता में जर्मन लोगों का आपस में बढ़ जाना हिटलर को जरा भी ना भाया था। हिटलर और आर्थिक मंदी के लिए यहूदियों को कसूरवार समझता था, क्योंकि उनका नियंत्रण कई जरूरी व्यवसाय और विशेष क्षेत्रों पर था। उसने अपने जर्मन देशवासियों को भड़काना शुरू किया। अमीर होने के कारण अधिकतर यहूदियों पर मंदी का कोई असर नहीं पड़ा था। यह अन्याय हिटलर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रतिशोध का मन बना लिया। हिटलर की यहूदियों के प्रति तीव्र घृणा की मुख्य वजह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार थी। लेखक जोसिम रिकर का दावा है कि हिटलर यहूदियों को जर्मनी की शर्मनाक हार के लिए दोषी मानता था। यही नहीं, ये राजतंत्र के खंडन और जर्मनी की बर्बादी का सारा दोष भी यहूदियों पर ही डाल दिया गया था। इतिहासकारों और मानकों के बीच हिटलर और उसके परिवार के संबंध में टकराव होता ही रहता है। इतिहासकारों की माने तो हिटलर खुद एक यहूदी था, लेकिन उसकी माँ ने कभी यह बात उसके सामने जाहिर नहीं की थी। एक का तो दावा है कि इस नफरत का जन्म हिटलर की दादी के देहांत के बाद हुआ, क्योंकि जिस डॉक्टर एडवर्ड ब्लोच ने उनका असफल इलाज किया था वह एक यहूदी था। एक स्रोत तो हिटलर के नाजायज जन्म की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि उसकी माँ एक अमीर यहूदी परिवार में नौकरानी थी। यह भी कहा जाता है कि यहूदी परिवार के लिए काम करते हुए हिटलर को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।